मैम सुबिया क्लासेस में नहीं होती मोस्टली, वो अभी गांव ही है, उसके नाना बाबू की डेथ हुई है तो उधर सिग्नल का बहुत इशू है। ओके अभी वो ये कब तक वापस आ जाएगी बेटा? मैम वो ये कंफर्म नहीं है, उससे पूछा था मैंने लेकिन उसका आंसर नहीं आया। ओके ठीक है क्लास। ओके सब लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में प्रेजेंट हो चुके हैं और असाइनमेंट्स जो हैं मेरे ख्याल में रिमेनिंग अभी तक किसी ने नहीं करवाई अगेन। ओके क्लास आज आपकी क्लास जो है यू नो के आज लास्ट क्लास है इसकी और वेंसडे जो है वो लास्ट क्लास होती है हमारी। ठीक है आप लोगों ने अब नेक्स्ट जो है वो जाहिर सी बात है ईद वेकेशन के बाद आना है, तो जो रिमेनिंग काम है या जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आपने काइंडली फुलफिल कर लेना है। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए नहीं किया कि चलें किसी को सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा ईद के बारे में भी है कि प्रिपरेशन है, थोड़ा काम है, तो लेकिन आप लोगों को जो दे तो काइंडली उसको फुलफिल करके मुझे शाम तक सेंड कर दिया करें। जिन बच्चों के असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं अभी तक सबमिट हुई वो मुझे ईद की वेकेशन में कम्प्लीट कर लें बैठ कर और मुझे ईद के बाद जो है वो सेंड कर दें। ठीक है और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए काइंडली वो नोट्स ले लें अपने, क्योंकि इस तरह से आप लोग जो है वो फिर जैसे लिखे पे फायदा नहीं हुआ ना कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो रिमशा और अबू बकर ने मेरे ख्याल में अभी तक नहीं लिए तो वो कॉलेज में मिसप्लेस हो जाएंगे। ठीक है वो वेस्ट हो जाएंगे, आप लोग काइंडली अपने नोट्स को पिक कर लें और अपनी जो स्क्रीन पे हम लोग आज हमारा जो लेक्चर है वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। नाउ वी आर डिस्कसिंग आयरनिंग। ठीक है आप लोगों ने रिवाइज किया गर्ल्स एंड बॉयज अपना लेक्चर जो लास्ट टाइम हम लोगों ने थीम्स को डिस्कस किया आप लोगों ने रिवाइज किए रीड किया? यस गो थ्रू किए हैं? यस मैम किया। ओके Today we will discuss ironing and some symbols in this story. Okay? आप लोग पहले जो है वो आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल हो रही है आयरनिंग की मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ये क्वेश्चन आपकी नोट्स के अंदर थीम्स के बाद सेकेंड वाला बनता है आयरनिंग। ठीक है ये जो लिटरेरी डिवाइस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने इसमें प्रोमिनेंट किए, वैसे तो मेटाफर्स इमेजेस ये तो आती ही रहती है लेकिन मेन बात क्या है आयरनिंग। तो आयरनिंग की जो डिवाइस है वो क्या है यूज टू रियलिटी की अपीयरेंस जो है वो चेंज है और हिडन अपीयरेंस चेंज होती है। आप क्या अगर कुछ और रहे होते हो आपको नजर जो दिखाई दे रहा होता है वो कुछ और होता है, बिल्कुल इसी तरह ही गोडिमर ने यहाँ पर आयरनी को जो प्रोमिनेंट किया है थीम आयरनी का, इसको आप लोग सेपरेट लिखेंगे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयरनी को डिस्कस करें या आप लोग भी जो अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें या फिर उसके फीचर्स लिखेंगे जब भी क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पर डिस्कस कर दें, दो पैराग्राफ बना लें लेकिन आप लोगों ने डिस्कस मस्ट करना है आयरनी को। ठीक है तो सबसे पहले पॉइंट इसमें लिखे ह्यूमन बींग्स क्रिएट देयर ओन डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन बींग्स मैंने आपको मेंशन करवाया हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है अपने रजिस्टर में मेंशन करते जाएं, उसके नीचे पॉइंट्स जो हैं वो भी लिखते जाएं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्रिएट देयर ओन डिस्ट्रक्शन। कैसे उन्होंने डिस्ट्रक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स अपनी नेचर को? ठीक है
कैसे उन्होंने अपने आप को खुद ही जो है वो स्पॉइल कर लिया, क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव जब हो जाते हैं, ठीक है, और जब वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं इंसान, और फिर क्या है कि जब उन्होंने, आप लोग जब स्टोरी से रिलेट करेंगे इसको तो फैमिली को रिलेट करेंगे, ठीक है, कि फैमिली ने जो जितनी प्रोटेक्शन जो है वो ले रखी थी, ठीक है, जितने वो लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे वो इतने इनसिक्योर होते जा रहे थे, ठीक है, ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो गया ना, एक ही बात में दो जो है वो बातें ऑपोजिट आ गई, और कर भी रहे थे लेकिन वो क्या है फिर भी इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्यों, क्योंकि आपको देखिए उन्होंने कितने डिवाइसेस, कितना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो वहां पर लॉन्च करवाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लेकिन एट द एंड उनके सन की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर पाते, अपनी नेचर से वो नहीं लड़ पाए, ठीक है, इसलिए इंसान को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमें नेचर जो है वो उसको डील नहीं करना चाहिए, नेचर के साथ हमें अपने आप को जो है वो जस्ट ये है कि हमें ओबे करना है, ये नहीं है कि हमने ह्यूमैनिटी की जो एक लिमिट्स होती है उनको क्रॉस करना है और फिर हमने नेचर के साथ भी अपने आप को जो है वो अटैच कर रखा है और फिर हम उसको अगेंस्ट जाते हैं, तो नेचर के जब भी हम अगेंस्ट जाते हैं तो हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह देखिए उन्होंने जब ह्यूमैनिटी को मिसट्रीट किया, अफ्रीकन्स को मिसट्रीट किया, तो वो ऑटोमेटिकली भी क्या हुआ उनके साथ, उनको रिवॉर्ड तो ना मिला ना, उनके साथ उनके बच्चों, बच्चे का जो फ्यूचर था या बच्चे की जो लाइफ थी वो स्पॉइल हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे कि जो स्टोरी है हमारी, हमारी स्टोरी के टू पार्ट्स हैं, ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ स्टोरी इज डिवाइडेड सिंबॉलिक एंड आयरोनिक डिवाइस, ठीक है, स्टोरी क्या है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके दोनों ही पार्ट जो है वो सिम्बॉलिक है और आयरोनिक है, इसमें सिंबल्स भी हैं और आयरनी भी है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, पहले आयरनी को हम डिस्कस करें, इसलिए हम आयरनी को ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसमें कैसे है आयरनी, पहली जो बात हम स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोगों ने इंट्रो दे दिया, फिर आप लोग कहेंगे कि किस तरह स्टोरी में, स्टोरी के टू पार्ट्स जो हैं वो कैसे आयरोनिक हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसे आयरोनिक है, जब गॉडिमर हमें स्टोरी सुनाती है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जब वो अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती है, तो आपने देखा होगा जब गॉडिमर को ये कहा जाता है कि वो अपनी फेरी टेल लिखे, बच्चों के लिए कोई स्टोरी लिखे, तो वो जो है वो रिफ्यूज कर देती हैं और कहती हैं कि मैं बच्चों के लिए कहानी, डोंट वांट टू राइट एनीथिंग चिल्ड्रन, ठीक है, वो ऐसा कोई जो है वो कर, लेकिन आप देखेंगे और इनडायरेक्टली वो क्या कर रही होती है, वो उनका जो फियर है उसको इस तक ले आता है कि वो फेरी जो भी अपनी स्टोरी अपने आप को सुनाती हैं, बेड टाइम स्टोरी जब वो अपने आप को सुना रही होती हैं, तब वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन फील टेल बन जाती है ना, ठीक है, फिर टेल बन जाती है। अब आप देखिए उसका टाइटल क्या सजेस्ट करे, वंस अपॉन अ टाइम, हम फौरन से कहते हैं कि कोई ऐसी कहानी जैसे बच्चों की कहानियां स्टार्ट होती है, वंस अपॉन अ टाइम, ये तो सब जो स्टोरीज होती है ना वो ऐसे, तो ऐसे हमें लगता है कि जैसे ये बच्चों की स्टोरी बुक है, लेकिन जैसे ही हमारा जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये हमें स्टोरी जो है वो ट्रेजिक लगती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है कि क्या क्या रही है कि मैंने स्टोरी नहीं लिखनी, बट ऑटोमेटिकली वो स्टोरी लिख देती है। सेकंड पॉइंट क्या है, वो कहती है कि मुझे मैं अपने आप को एक बैड टाइम स्टोरी सुना रही हूँ, या मैंने जो ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है, मेरी सोसाइटी की कुछ मेमोरीज है, मैं अपनी सोसाइटी को पोर्ट्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको जो है, लेकिन देखिए आप वो टाइटल क्या स्टार्ट क्या लेती है, वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम का जो टाइटल है वो रिलेट कर जाता है फेरी टेल से, तो ये ऑटोमेटिकली फिर फेरी टेल बन जाती है, ठीक है, बच्चों के लिए कहानी जो है वो उसका टाइटल बन जाता है। नेक्स्ट फिर हम जब मूव करते हैं तो हमें लगता है कि ये जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है, आपको भी, आपने भी जब फर्स्ट टाइम इसको सुना होगा तो आपने कहा होगा कि बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी होगी जिसमें फेरी होगी, या कोई भी ऐसी स्टोरी जैसे वंस अपॉन अ टाइम का टाइटल सजेस्ट कर रहा है हमें, ठीक है, लेकिन जैसे आप लोग देखते हैं कि फैमिली हैप्पी मूड में होती है, एक हैप्पी फैमिली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, बट आप देखेंगे कि वो फैमिली हैप्पी नहीं होती, बैकग्राउंड क्या है कि हैप्पी फैमिली नहीं होती वो, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, फियर है उनके अंदर जो है, वो एंजाइटी है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, उन्हें आउटसाइड जो है वर्ल्ड का फियर है, तो इस वजह से जो वो लोग जो है हैप्पी नहीं है, जबकि गॉडिमर जब स्टार्ट लेती हैं तो ये वो वर्ड्स भी और फ्रेजेस भी लिखती हैं कि हैप्पी फैमिली आफ्टर एवर, तो ये वाला फ्रेज वो यूज करती हैं अपनी स्टोरी में, लेकिन वो हैप्पी फैमिली नहीं होती, जैसे आप मूव करते हैं वो स्टोरी जो है वो डेप्थ में जाती है तो वो ट्रेजिक होती चली जाती है, तो इस तरह से हमारा जो स्टार्ट है स्टोरी का
वो हैप्पी मूड से चेंज हो जाता है ट्रेजिक मूड में, ठीक है। फिर आप देखेंगे उसने क्या किया, अब जब उसकी ओल्ड विच होती है, मतलब आपने देखा होगा कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको स्टोरी सुनानी होती है, अब वहां पर ग्रैंड मदर सेलिब्रेट करती है बच्चे की बर्थडे को, ठीक है, एक हैप्पी इवेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे वो उसको क्या करती है, फेरी टेल की एक बुक देती है, ठीक है, एक जो है वो कॉस्ट्यूम देती है किसका, कोई भी आप कह लें स्पेसमैन का, ठीक है, स्पेसमैन का कोई कॉस्ट्यूम उसको दे देती है, तो बच्चा दोनों गिफ्ट्स लेकर बहुत खुश होता है। तो ये एक हैप्पी मोमेंट था, कैसे चेंज हो गया, लेकिन जब वो रिएक्ट करता है, जब वो हीरो बनने की कोशिश करता है, ठीक है, जब वो स्टोरी में कहता है, जब सुनता है वो प्रिंस कहता है उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो प्रिंस है वो कहता है कि मैं आउट वर्ल्ड में जाकर अपनी प्रिंसेस को ले आऊंगा वापस, तो उसको लगता है कि जैसे बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहां पर प्रिंसेस रहती है, ठीक है, वहां पर ब्यूटी क्वीन है, तो इस वजह से वो इस चीज को ट्राई जब करता है तो उसकी ऑटोमेटिकली फिर वो किस चीज तक पहुंच जाता है, ट्रेजिक एंड होता है उसका, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जबकि इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाइज उसको ग्रैंड मदर को क्यों बोला गया वाइज ओल्ड विच, तो इसी तरह क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें शामिल होती है ना, वो उसको उनको ऐसी स्टोरी जो है वो सुनाती और बच्चा रिएक्ट ना करता, ठीक है। इसलिए हमें भी कहते हैं कि बच्चों को ऐसी कार्टून वगैरह से भी दूर रखना चाहिए, बच्चे सुसाइड की जो अटेम्प्ट है वो बहुत करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है वो जरूर जो है एक्शन रिएक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे, फिर वो कहती है कि आपने देखा होगा स्टोरी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होते ही वो कहती है कि एक फैमिली है जो कि सुबह में रहती है और बहुत हैप्पी फैमिली है, और लेकिन वो सुबह फैमिली जो है जो टाउन में रहती है, ठीक है, लेकिन उसका क्या एंड होता है, एंड उसका शॉक्ड होता है। हम लोग जो है वो स्टार्ट लेते हैं उसको फैमिली जो है वो हैप्पी है, एक सुबह फैमिली है, फिर वो इस सोसाइटी में भी रहती है, एलीट क्लास है, लेकिन एंड क्या है, शॉक्ड है, ट्रेजिक है। इस वजह से हम लोग फिर इसको क्या कहेंगे, ये भी एक आयरनी सिचुएशन है कि अपेरेंट जो है रियलिटी जो है वो कुछ और है, और अपेरेंट जो है वो अपेरेंस जो दिखाई जा रही है वो कुछ और है। फिर अब क्या है कि नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं, फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रिकॉशंस पे, ठीक है। अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं, प्रिकॉशंस भी आयरनिक सिचुएशन में डील की जाती है। कैसे आयरनी जो है यहाँ पर डील करती है या आयरनिक सिचुएशन बन जाती है, जबकि उनका इतना खूबसूरत घर है, फिर उन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत सी चीजों को लगा रखा है, फिर क्या वजह है कि क्यों ये आयरनी कैसे है, मींस जितनी भी वो प्रोटेक्शन के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डिवाइसेस को यूज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनके लिए क्या है, यूजलेस हो जाती है, ठीक है। अपेरेंस क्या दिखाई दे रही है कि उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, वो बहुत हैप्पी हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोटेक्शन की मेजरमेंट होती है, जो वो लेते हैं सिक्योरिटी मेजरमेंट, वो यूजलेस हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है, क्योंकि उनके काम नहीं ना आती। उन्होंने कितना भी जो है वो आपने देखा होगा वायर्स लगाई हैं, अलार्म सिस्टम है, प्लेट्स लगाई हुई है, आयरन गेट्स हैं, और उनकी टाइमिंग कितनी स्ट्रिक्ट है, तो आप लोग यहाँ थोड़ा मेंशन करेंगे कि ये सब चीजें जो है वो सिक्योरिटी डिवाइसेस में आ जाती हैं। फिर आप देखें उन्होंने अपनी मेड्स की टाइमिंग चेंज की हुई है ताकि वो अपनी आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन ना रखे और ना ही आउटर वर्ल्ड जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर क्या होता है, वो जो वॉल्स है, वो जो सिक्योरिटी सिस्टम है, इनके लिए सब चीजें क्या है, यूजलेस हो जाती है, क्योंकि उनके बेटे की डेथ उसी की वजह से हो जाती है। फिर क्या है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए एक कैट है उनके घर में, ठीक है, एक पेट एनिमल, एक कैट और डॉग आपसे पूछा जाए तो आपने कैट और डॉग मेंशन करना है इस स्टोरी में। तो कैट जब वो कहती है, इन्होंने इतना जो वॉल को इतना हाईली सिक्योर किया हुआ है वायर्स के साथ, लेकिन आप देखिए कि वहां पर एक लॉफ्टर दिए कि एक कैट जो है वो आराम से चढ़ जाती है ऊपर, और कैट जो है वो जंप करती है वॉल के ऊपर और नीचे आ जाती है। जब एक कैट जो है उसको जंप कर सकती है, कैट उसके साथ प्ले कर सकती है, तो क्यों ना एक ह्यूमन बीइंग भी जो है उसको और जो है वो क्लाइम करके अंदर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्यों यूजलेस हो गया ना, जब उसको कैट ही जो है वो यूज कर सकती है, वॉल्स के ऊपर चढ़ रही है, उतर रही है, उसके साथ प्ले कर रही है, तो सिक्योरिटी जो उन्होंने वॉल्स के साथ वायर्स लगाई हुई है तो वो तो यूजलेस है इनके लिए, किसी काम ना आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखें एक कैट का यहाँ ये भी रोल है, कैट कुछ भी नहीं कर पाती जब वो उनका बेटा जो है वो मैंगल अप हो जाता है वायर्स के अंदर, ठीक है, वो वहां पर स्टक हो जाता है, वायर्स जो है वो पेनिट्रेट करती है उनकी बॉडी के अंदर, तो कैट वहां पर जब वो क्लाइम करती है और वो एफर्ट करती है लेकिन वो उसको बचा नहीं सकती, यूजलेस हो गई ना उनके लिए,
अब यहाँ पर उन्होंने कैट और डॉग भी अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे, लेकिन अब हम देखें कैट भी उनके लिए क्या है, यूजलेस हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो लड़का है, बॉय जो है, वो किल्ड हो जाता है अपनी बार्ब्ड वायर के साथ जो उन्होंने लगाई होती है, शार्प किस्म की वायर्स यूज की हुई होती है, वो उसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे उनकी प्लेट्स की तरफ जो उन्होंने बाहर लगाई हुई है, तो आप मेंशन करेंगे कि जो प्लेट्स हैं जिसके ऊपर लेबल है यू हैव बीन वॉर्न्ड, ठीक है, आपको वॉर्न किया जा रहा है, अगर आप लोग अंदर आए, इंट्रूडर को वॉर्न करते हैं सुबह सोसाइटी वाले, ठीक है, ये मेंशन करते हैं कि अगर आप लोग एंटर हुए या आप लोगों ने कोई भी ऐसी जो है वो एफर्ट करने की कोशिश की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आप लोग जो है वो फिर इसी इसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपको करंट लग सकता है, आप लोग वायर्स में जो है वो स्टक हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके बेटे की डेथ हो जाती है। होता है ना, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि वार्निंग फैक्ट होता है ये, फिर वो ड्रैगन टीथ की मैंने बात की थी, उन्होंने ड्रैगन टीथ को, उन्होंने एक ड्रैगन सा बनाकर उसके माउथ को जो है वो ओपन किया हुआ है, तो वो भी एक सिंबल वहां पर उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, वो क्या है, हैप्पी फैमिली है। लेकिन आप कह सकते हैं, गॉडीमर कहती है कि इन्होंने जितनी भी अपने आप को खुश और गर्म रखा हुआ है, हैप्पी फैमिली शो किया हुआ है, अपने घरों को जो है वो डेकोरेट करके हाई विलास बनाकर सुबह सोसाइटी में रहकर, लेकिन फिर वो क्या है, वो अपेरेंस जो है उनकी दिखाई दे रही है कि वो, लेकिन इंटरनली वो लोग क्या है, डिस्टर्ब है, ये आप कह सकते हैं। और यहाँ भी एक आयरनी आती है, उनकी लाइफ से रिलेटेड पर्सनैलिटीज जो है वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे तो हम आएंगे वॉल्स की तरफ। देखिए, हम उन्होंने चारों तरफ अपने विलास में फोर साइडेड कवर की हुई है वॉल्स के साथ, फेंस के साथ। तो फेंस जो है वो यहाँ पर कैसे आयरोनिकल सिचुएशन बनती है कि उन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, ठीक है, वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। अगर हिडन मीनिंग देखेंगे आयरोनिक सिचुएशन बनाने के लिए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, आउट वर्ल्ड से अपने आप को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। वॉल का जो मैं अभी नेक्स्ट सिंबल जब करवाऊंगी तभी हम देखेंगे कि जो वॉल है वो सिम्बोलिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेपरेशन, आउट वर्ल्ड से सेपरेशन जो है वो उन्होंने रखी हुई है, अपने आप को अलग किया हुआ है, अपने नेबरहुड जो है उससे भी अपने आप को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर पॉइंट आता है कि उन्होंने मेक देयर ओन प्रिजन, ठीक है। अब उन्होंने इस वॉल्स को, इन फेंस को इंट्रोड्यूस करवा कर क्या शो किया हुआ है कि वो लोग जो है वो क्या है, प्रिजन में है, अपने आप को वो जो शो कर रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट हैं, लेकिन क्या है, लेकिन वो क्या नहीं होते, सिक्योर नहीं है, वो एक प्रिजन में है, वो एक जेल में है, वो कैद है, उन लोगों की थिंकिंग भी जो है वो आप कह सकते हैं प्रिजन में बाउंड है, ठीक है। वो लोग जो है वो ओपन माइंडेड भी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर उनके थोड़ी सी अगर उनकी ओपन माइंडेडनेस हम शो करेंगे तो फिर तो उनको उनके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ना, लेकिन वो लोगों के जहन भी जो है वो बाउंड है, वो खुद भी फोर वॉल्स में बाउंड है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी डिस्ट्रक्शन भी ले आते हैं, उन वॉल्स में रहने के बावजूद वो अपनी डिस्ट्रक्शन के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो चीज वो दूसरों को वार्न करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उनके लिए ही वार्निंग बन जाती है, ठीक है। ये एक आयरनी सिचुएशन है, आयरोनिकल सिचुएशन है। ओके, हम लोग गॉट इट क्लास, BS2 आर यू लिसनिंग? यस मैम, गॉट द आइडिया? यस मैम जी। और इसकी डिटेल जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको जैसी मुझे मिलती जाएगी न्यू नोट्स के बाद, क्योंकि नोट्स में आपको एक ही पेज मिलेगा आयरनी का, ठीक है, वो आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। कुछ स्पेल्स और कुछ जो है वो आपको मैं स्लाइड्स या फिर सेंड करूंगी, आप लोगों ने उसको रीडिंग देनी है। फिर मैं अगेन एंड अगेन कहूंगी, रीडिंग के बाद कॉपी किसी ने नहीं करना होता, लिखना आप लोगों ने खुद है, एक पेज पे लिख कर देखें कि आपको किस तरह से लिखना आता है, पहले रफ लिखें थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप लोग फ्री हैं, कोई भी आप लोगों ने स्कूल कॉलेज या फिर कोई ऐसी जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो इसलिए आप लोग जो है वो थोड़ा टाइम दिया करें। मुझे भी खुद अगर मैं जस्ट सिंबल का एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करूं, मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 3 hours लग जाते हैं इसकी रीडिंग को, हर स्लाइड को रीड करना, क्योंकि हमारे टीचर जो है वो जब हमें पढ़ाते थे वो एक सजेशन देते थे कि कभी भी आप लोग एक मटेरियल को यूज मत करें, ठीक है, आप लोगों ने हर स्लाइड को ओपन करें,
ठीक है, डिफरेंट जो है अगर आपके पास बुक्स हैं तो उसकी लास्ट पे क्वेश्चंस हैं, उसके मिड में है, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। अगर वो थ्री बुक्स हैं आपके पास डिफरेंट राइटर्स की लेकिन सेम टॉपिक है तो आप मस्ट गो थ्रू करें, क्योंकि आपको पता है मेंटेलिटी जैसे डिफरेंट होती है तो पॉइंट ऑफ व्यूज भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कोई भी एक फौरन से खोल के कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना, हर स्लाइड में हर वेबसाइट पे न्यू आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप लोग जब रीडिंग कर लेंगे फिर उसको जो है वो पेज पे लिखें, फिर उसको मिक्सअप करें, फिर उसका एक बनाएं, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो आपका वीएन जो है वो भी ब्रॉड होगी और आपको रटा नहीं लगाना, क्रैमिंग सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा फिर। क्योंकि जब एग्जामिनेशन पॉइंट में डिफरेंट क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर देते हैं ना वो, तो फिर आपको ये लगता है कि हमें आता नहीं है। लेकिन जब आपकी रीडिंग जो है वीएन जो है वो इतनी वास्ट होगी, ठीक है, ब्रॉड वे में आप लोगों ने रीडिंग की होगी, लेक्चर्स को सुना होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, नोट्स को भी पढ़ा होगा, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको आप मिंगल अप करके वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों की ये जो है वो ओवरकम हो सकती है फियर, जो एंजाइटी होती है एग्जाम एंजाइटी, आपने पढ़ा था ना कि एग्जाम्स एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा हमें टेंशन क्रिएट कर देती है ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो इसलिए आपने जब अब नोट्स बनाने हैं तो इसी तरह ही बनाने हैं। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग देंगे अपने रजिस्टर पर सिंबल्स की, सिंबोलिज्म, ठीक है, सिंबोलिज्म इन वंस अपॉन अ टाइम, कौन कौन से सिंबल्स जो है वो गॉडीमर ने डिस्कस किए हैं हमारे साथ, क्या चीज जो है वो सिंबलाइज किस चीज को कर रही है, कुछ जो है वो सिंबल्स है मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसमें मेंशन करेंगे रॉइड्स, RIOTS, रॉइड्स, हंगामे, फसाद, जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, ठीक है, रॉइड्स लिखना है, RIOTS। हैव यू डन क्लास? ओके, इसके नीचे आप पॉइंट्स लिखते जाएंगे, रॉइड्स क्या शो कर रहा है, क्या हमें सिंबलाइज जो है वो क्या कर रहा है, शोज आउटसाइड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है। रॉइड्स जो है वो यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया, क्यों उसकी वाइफ जो है स्टोरी के अंदर अगर मैं रिलेट करूँ तो उसकी वाइफ और हस्बैंड जो है स्टोरी में उनको ये फियर होता है कि बाहर होने वाले रॉइड्स जो है, ठीक है, वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए डेंजर का जो है एक एलिमेंट बना सकते हैं, हमें इन चीजों के लिए सिक्योरिटी हाई कर देनी चाहिए। तो तभी तो उन्होंने इतना ज्यादा अपने आप को और सिक्योर करने के लिए न्यू डिवाइसेस लगवाई थी। तो रॉइड्स का जिक्र यहाँ पर गॉडीमर ने फैमिली के साथ तो रिलेट कर दिया, उनके फियर के साथ तो रिलेट कर दिया, लेकिन वो कहती हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रॉइड्स, इस मेरा डिस्कस करने का भी यही एक पर्पस है कि ये उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो बाहर की दुनिया में रॉइड्स और हंगामे फसादात हो रहे थे, लोग उससे खौफजदा थे, ठीक है, सोसाइटी जो है वो ब्लैक पीपल के साथ जो मिसट्रीट वो लोग कर रहे थे और व्हाइट पीपल का खुद को इतना प्रोटेक्ट करना, ओवर रूल करना, तो ये चीजें उनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। तो इसी वजह से जब आपको पता है एक कंट्री में, अपने आप कंट्री में भी देख सकते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों में बढ़ जाती है, तब हम जो है वो रॉबरीज जो है वो भी उनके रॉबरी केस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो फियर अटेंशन एंजाइटी जो है वो क्रिएट होती है तो आपको पता है सुसाइड के केसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपको पता है पॉवर्टी जो है वो पे उसका तो एंड जो है अल्टीमेट एंड यही होगा ना कि उनके पास तो सुसाइड के अलावा कोई भी फिर वे नहीं होता, फिर सुसाइड के केसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कहती है कि बिल्कुल यही एक सिचुएशन में ये हमारी सिचुएशन से रिलेटेड थी बात। अब अगर गॉडीमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो कहती है उस टाइम पीरियड में रॉइड्स जो थे वो भी बहुत ज्यादा हाई पीक, क्योंकि आपको पता है ब्लैक पीपल के पास जो है वो कोई भी जो है वो वे नहीं था अपनी लाइफ को बेटर करने का। जब उनके पास जो है वो कोई जॉब नहीं है, जब उनके पास कोई वे नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉवर्टी जो है वो तो उसकी लाइन तो इंक्रीज कर गई ना, पॉवर्टी पीक पे चली जाती है। और जब पॉवर्टी पीक पे चली जाती है तो फिर रॉइड्स जो है, रॉबरीज जो है और डिस्क्रिमिनेशन जो है और यहाँ पर फसादात बढ़ जाते हैं। ये तो अल्टीमेट सोर्स है, आप कह सकते हैं ये हर सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। तो उस टाइम पीरियड की एक पिक्चर जो है, एक पोर्ट्रेट जो है वो भी इस सिंबल के थ्रू हमें वो बताना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे रॉइड्स रिप्रेजेंट वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। वायलेंस तो जाहिर सी बात है हो गई, जब आप लोग देख रहे हैं कि ब्लैक पीपल के साथ मिसट्रीट किया जा रहा है,
उनको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया जा रहा, तो फिर वायलेंस तो होगा। वो क्या करती है कि अगर उन्हें गॉडीमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है कि अगर वो अपनी वेल्थ जो है, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो शेयर कर लेते, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते, तो शायद ये चीज ओवरकम हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके ठीक है, वायलेंस की आपने फिर एग्जांपल देनी है कि ब्लैक पीपल के साथ जैसा उन्होंने मिसट्रीट किया, ठीक है, जब वो फिर उन्होंने वायलेंस क्रिएट किया, तो बिल्कुल ऐसे ये हर सोसाइटी की स्टोरी बन जाती है जब ये चीजें जो है पीक पर होती हैं। तो साउथ अफ्रीकन जो है वो भी इस चीज को फेस कर रहे थे, ब्लैक पीपल जो है वो भी फेस कर रहे थे, क्योंकि व्हाइट पीपल ने जो सोसाइटी जो गवर्नमेंट बना रखी थी वो उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि वो उनके लिए नहीं थी, ऐसा ही लग रहा था जैसे वो खुद ही जीने आए हैं बस। आपको इसीलिए मैंने कल इंपीरियलिज्म का जो एक पॉइंट जो है वो लिखवाया था, वो भी यही चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो खुद जो है वो इंपीरियलिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक पीपल की किसी भी बात को कभी बॉदर नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो राइट्स जो है वो सिम्बोलाइज करते हैं ह्यूमन नेचर को, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को। वो कहती है कि राइट्स जो है वो बाहर की दुनिया में ये जो सब चीजें हो रही हैं ये कोई एनिमल्स नहीं कर रही, ये ह्यूमन बींग्स ही हैं, ठीक है, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और जो रूल कर रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो कहती हैं कि ये नेचर जो है ना ये शो हो रही है, ये राइट्स जब अब हम देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि जैसे इंसानियत जो है वो तो फिर खत्म हो गई ना, ह्यूमैनिटी का तो कोई नाम नहीं रहा, तो ये चीजें तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में यही तो फर्क है, डिफरेंस क्या है कि उनके पास शऊर नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को अशरफुल मखलूकात बनाया है, ठीक है, सोचने समझने की एक सलाहियत दी है। फिर भी हम लोग जब ये जब हम किसी को टॉलरेट नहीं करते, किसी के एक्शन में जो है वो रिएक्ट ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को पेशेंस नहीं रख पाते, अपने अंदर पेशेंस हमारा खत्म हो जाता है, एक लिमिट होती है ना फिर। लेकिन जब हम क्या होते हैं कि उस वक्त हम डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं, डिसअपॉइंट क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो अभी बिलीव होता है वो भी हमारा कमजोर ही हो रहा होता है, क्योंकि हमें हर हाल में जो है वो प्रे ही करनी चाहिए। आपकी कंडीशंस कैसी भी है, मैंने आपको पहले बताया था कि राइज एंड फॉल जो है वो तो होता ही रहेगा, अप्स एंड डाउन्स जो है वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपको जो है वो पेशेंस को खत्म नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी सी जब हमारे पर बात आती है हम अपना पेशेंस जो है वो खो देते हैं, हम अपने कॉन्शियस से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या होता है कि जब हम अब अगर हम बात करें व्हाइट पीपल की, तो जब ये व्हाइट पीपल हो ब्लैक पीपल हो, जब भी किसी के पास अथॉरिटी आती है ना, तो वो अपनी जो है वो मर्जी करने लगता है। वो पहले जो है आपको पता है क्लेम्स कितने ज्यादा होते हैं, कितने ज्यादा वो लोग हम जो है वो सोसाइटी के साथ प्रॉमिसेस करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे ये। जैसे ही वो गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश होती है, तो क्या चीज जो है वो देखने के लिए मिलती है, पॉवर्टी वहीं पे रहती है, ठीक है, जो रिच पीपल है वो और ज्यादा रिच हो जाते हैं, तो कुछ भी वो फिर क्या कहते हैं, हमारे हैंड में अगर गवर्नमेंट है तो हम जैसे चाहें उसको वैसे ट्रीट कर लें, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है। उन्हें ये चीज याद नहीं रहती कि आज हमारी गवर्नमेंट है कल इनकी भी होगी। और फिर जब रिवेंज लेने का टाइम आता है, आपको पता है, तो अफ्रीकन्स भी लेते हैं, जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो भी रिवेंज लेते हैं इनके साथ, तो फिर उनको एक फियर होता है, ना पहले वो खुश थे ना वो बाद में खुश रह सकते हैं। पहले उन्हें फियर था कि हमारे घर में रॉबरीज होंगी, ये हमारे हमें जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे बच्चों को जो है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है फिर भी उन्हें ये फियर होता है कि अभी हमें भी ट्रीट करेंगे, हमारे लिए भी ये हमें भी जॉब्स नहीं देंगे, हमें भी ये वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ये जो है वो हम इनको करते थे। तो ये चीजें जो है वो कहती है ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को जो क्या करते हैं, मिसट्रीट कर रहे होते हैं, इनके अंदर जो है वो ये एनिमल नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स ही हैं दोनों तरफ, चाहे वो अथॉरिटेटिव है या नॉन अथॉरिटेटिव है, ठीक है। मीटिंग को आपने 10 मिनट्स बाद जो है वो ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इसके अंदर पॉइंट चाइल्ड, जो इस स्टोरी से रिलेट करेंगे, चाइल्ड अंडर द थ्रेट ऑफ ह्यूमन इविल। अब वो बेचारा बच्चा जो है वो किस चीज को फिर उसकी डेथ जो है वो इंटेंशनली नहीं होती, वो खुद बेचारा इस चीज से अवेयर नहीं होता। देखिए एक ह्यूमन का इविल स्टेप जो है वो उसको डेथ उसकी जो है ले आता है, कैसे। अब अगर ह्यूमन बींग्स इतना ज्यादा जो है वो उन्होंने रेजर वायर्स जो है वो लगा रखी हैं
अगर वो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, अगर वो थोड़ा सा ये भी कर देते, अगर ना भी वो अपने बच्चे, और फिर आप देखिए ऐसी स्टोरीज बच्चों को क्यों सुनाएगी, ठीक है, इसके लिए वो एक्शन ले सकता था, फिर बच्चों को गाइड नहीं किया गया, वो बच्चा जो है वो उसकी किसकी थ्रेट में जो है वो रहा, वो भी ह्यूमन का ही एक इवेल स्टेप है जो उसकी डेथ का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप वो देखेंगे ह्यूमन की इवेलनेस जो है वो उसकी डेथ ले आती है। अब आप देखेंगे कि हम बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये कहा जाता है कि बच्चों को जो है वो अपने पेरेंट्स की, ठीक है, मिस्टेक्स का जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है, जितनी भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स उनको अपनी लाइफ में फेस करनी होती है, जबकि वो इनोसेंट है, उनको पता नहीं है अभी, वो कभी कभी जो है वो समझ नहीं आती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, फिर भी उन्हें जो है वो फेस करना पड़ती है बहुत सी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि उनके इवल स्टेप की वजह, उनके पेरेंट्स के इवल स्टेप की वजह से, उनकी जो मेंटेलिटी है उसकी वजह से जो नेगेटिविटी है वो चीज, क्योंकि जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है, सीन्स जो है वो पेरेंट्स के, क्योंकि उनको रियलाइज नहीं होता, फिर उनके बच्चों को जो है वो चीज जो है वो फिर टॉलरेट करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह अगर इनके पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा, इनके जो फादर है वो इतने रेसिस्ट ना होते, ठीक है, थोड़ा सा अपने नेबरहुड का भी ख्याल रखते। आप देखिए उन्होंने इतनी वॉल्स क्रिएट करी, वॉल का एक यहाँ पर सिंबल जो है ना वो नेबरहुड से जो है वो अपार्ट रहने का भी है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया हुआ था, वो किसी से रिलेशन नहीं बना रहे थे, उनके फादर जो है वो किसी को कुछ समझ ही नहीं देते, नेबरहुड के जो बिल्कुल भी उनके साथ जो है रिलेशन नहीं था, वो ख्याल नहीं रखते थे। आपको पता है कि हमारी जो रिलीजन है वो भी हमें क्या जो है वो देता है, टीचिंग क्या है उनकी, कि हमें अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए ना। अगर आपकी इवन अगर आपके घर में जो है वो एक अच्छी चीज बन रही है या कुछ भी बन रहा है, उसका अरोमा जो है अगर वो सात बजे घर के अंदर चला जाता है और वो इसको फील करते हैं, तो और अगर आप उनको ये चीज प्रोवाइड नहीं करते, तब भी आप जो है वो गुनाहगार हैं, आपको इसके लिए आंसर करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता अगर आप लोग उनकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं देखेंगे नहीं, ठीक है, गौरव फिक्र नहीं करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर बिजी हैं, तो आपको क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता वो लोग जो है वो स्टारवेशन में डेज जो है वो गुजार रहे हो। फिर क्या होगा कि आपकी जब वो इतनी फैसिलिटीज देखते हैं, आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो उनके दिलो दिमाग में जो भी जो उस टाइम जो है वो थिंकिंग या जो भी फीलिंग्स होंगी, उसके लिए आप जो है वो आंसर करेंगे, एक दिन आपको करना होगा। तो ये चीजें जब हम छोटी छोटी नहीं रखते ना, फिर हमारे जो बच्चे हैं उनको फिर बहुत ज्यादा जो है वो टॉलरेट करना पड़ता, कभी जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू, कभी उनकी डेथ के थ्रू, कभी जो है वो उनके साथ कुछ भी मिसहैप हो जाए तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी जो है वो हमें ये चीज जो है वो रियलाइज हो जाती है कि हमने क्या मिस्टेक की है अपनी लाइफ में जो हमारे साथ ये चीज, क्योंकि देखिए अगर हम लोग नहीं देख रहे, अगर हम लोगों ने अपनी जो है वो आंखें बंद की, इट्स मीन कि हम कॉन्शियसली जो है वो सो रहे हैं, हम लोग हमारी आंखें जो है हम ब्लाइंड है, वैसे हमारी है लेकिन हम वैसे कॉन्शियसली हम नहीं देख रहे, तो अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं ना। तो इंसाफ जो है वो इनजस्टिस का जो एक यहाँ पर एलिमेंट है, वो भी गॉडिमर ने जो है वो हमें बताने की कोशिश की है। जब हम इनजस्ट करते हैं ना अपनी सोसाइटी में, तो हमें पे करना पड़ता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इसके अंदर प्रोटेक्शन का, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन जो है वो किस चीज को सिम्बलाइज कर रही है, कि फैमिली जो है इसमें पॉइंट लिखेंगे, पर हेडिंग देंगे प्रोटेक्शन की, पॉइंट लिखेंगे फैमिली फेसेस रियल थ्रेट्स ऑफ हार्मफुल सिचुएशन ड्यू टू यंग चाइल्ड। अब देखिए उनके पास एक बेटा होता है, ठीक है, वो अभी यंग है बेचारा, उसके वो इनोसेंट है, ठीक है। अब उन्हें क्या फेस करना पड़ा उसकी डेथ को, ये मिसहैप जो है उनकी लाइफ में, ये ट्रेजिक इवेंट जब होता है तो वो जाहिर सी बात है शॉक्ड हो गए ना, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन के बावजूद ये सब चीजें उनको फेस करना पड़ी, ठीक है। फिर अब आप देखें कि यहाँ पर वो प्रोटेक्शन में क्या डिमांड कर रहे हैं, नीड ऑफ फॉर सेफ्टी, ठीक है। वो बार बार उसकी जो मदर है वो भी उनको कहती हैं, और हस्बैंड जो है वो वैसे ही पहले से ही इतने ज्यादा जो है वो कॉन्शियस रहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन जो है वो और चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर सेफ्टी, ठीक है। यहाँ पर वो प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और अपने आप को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने के लिए जो है वो डिमांड करते हैं। वो समझते हैं ये हमारी नीड है, ठीक है, हमें जरूरत है इस चीज की, इस सोसाइटी में रहते हुए भी हमें क्या है अब जरूरत है, सिर्फ हमें ही है, ठीक है।
फिर अब आप देखें कि प्रोटेक्शन जो है उन्होंने इतनी ज्यादा अगर दे रखी है या वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट उनके पास क्या पॉइंट रेज होता है, डिजायर टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए इतने ज्यादा जो है वो आगे चले जाते हैं या वो फिर इतने ज्यादा प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं कि अब वो नेचर को एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं कैसे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा मेजरमेंट्स जो ले रखी हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप अपने आप को जो प्रोटेक्ट करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके आपके साथ कोई मिसहैप नहीं हो सकता, आपको कोई भी जो है वो ट्रेजेडी फेस करनी नहीं पड़ती। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे होते हैं ना वहां पर, तो एक्सेस ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अगर एग्जांपल दूं, अगर आप लोग देखें एक ग्लास में आप पानी डालते हैं, आपको एक ग्लास पानी पीना है, लेकिन आपकी जो है आप कह दें कि नहीं मुझे तो और चाहिए, और सारा भी मेरे जो है इस ग्लास में आ जाए, जबकि ग्लास जो है वो फुल हो चुका है, जो रिमेनिंग का वाटर है वो कहाँ जाएगा, नीचे बह जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता। आप लोग इतना इनसिक्योर हो, इतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों हो रहे थे? ठीक है, सिक्योरिटी अलार्म्स हैं, इतनी चीजें हैं, उनको फेयरिंग कर लेते तो थोड़ा सा ओवरकम हो जाती ना, लेकिन फियर इंक्रीज हो रहा था, सिस्टम था उन्होंने वो भी इंक्रीज कर रखा था, वो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी देखते थे उसको इंट्रोड्यूस करवा देता, वो चाहते थे कि वो हम अपनी एनवायरनमेंट को जो है ना वो खुद ही बना लें, इतना अच्छा बना लें कि उन्हें कभी भी कोई थ्रेट जो है वो फेस करना ना पड़े, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो मिस्ट्रीट कर रहे हैं ब्लैक पीपल को, तो उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत। आप लोग कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को एक हैप्पी वे में जो है वो लेके चल सकते हैं? जैसे जैसे वो जो स्कैर्ड होते जा रहे थे, जैसे जैसे उनके अंदर जो खौफ बढ़ता जा रहा था, वो लोग डिजायर कर रहे थे कि वो लोग चाह रहे थे कि उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो ज्यादा हो, वो अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल है उसको लिखें कैट। कैट का जो एक उन्होंने एक पेट एनिमल रखा हुआ था, कैट एंड डॉग। कैट का जो लिखें हेडिंग दें कैट, उसमें पॉइंट आपने नीचे लिखना है चांस एंड नेचर। नेक्स्ट इसके नीचे लिखना है कैन नॉट कंट्रोल दी अननोन, अननोन आएगी डेथ, ब्रैकेट में आपने डेथ लिखना है। ठीक है, कैन नॉट कंट्रोल दी अननोन, ब्रैकेट में आपने लिखना है डेथ। अब कैट कैसे जैन सर नेचर को इसका रिप्रेजेंट करिए कि देखिए, जैसे एक चांस बनता है कि वो बच्चा जो है वो वायर्स में जब वाइब हो जाता है, मैंगल्ड हो जाता है, उसमें फंस जाता है, फिर क्या होता है, कैट को वो जो भेजते हैं, कैट जो है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जब जाती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अपनी जो है वो ट्रायल करती है, इतनी कोशिश करती है, एफर्ट करती है, फिर भी इनसिक्योर थे वो, परफेक्ट नहीं हो सकते थे, तो यहाँ पर वायर्स को इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब जो है वो एक परफेक्शन भी है। ठीक है, फिर लेकिन परफेक्शन के थ्रू उनको क्या फेस करना पड़ता है, क्या जो है वो थ्रेट मिलता है कि उनका बेटा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन वायर्स के थ्रू। ठीक है, वो अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे टू प्रोटेक्ट देयर पैरानोइया। पैरानोइया मैंने आपको कल बताया था, डिल्यूजन होता है, PARANOIA, पैरानोइया। पैरानोइया बोलते हैं डिल्यूजन को। ठीक है, आपको मैंने कल कहा था कि इंसेनिटी होती है, दिमाग का खलल होता है जब इंसान जो है वो अपने थॉट्स को जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या है, अगर उन्होंने ये चीज जो है वो अपने माइंड में सेट की हुई थी तो फिर उन्हें फेस भी तो ट्रेजेडी करनी पड़ी, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। ठीक है, ट्रेजिक एंड हुआ ना उनका, क्योंकि बेटे की डेथ हो जाती है। इन वायर्स के थ्रू वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि इनडायरेक्टली वो लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से मैं तो रिवाइज कर दूं, बार्ब वायर का सिंबल जो है वो पहले आपने लिखना है कि ये अपार्थिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अपार्थिड का लिटरल मीनिंग जो है वो सेपरेशन है। ठीक है, सेपरेशन, आप सेपरेशन किस चीज की, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। ठीक है, आउटर वर्ल्ड को आप लिखेंगे, इसमें शो कर रहे हैं ब्लैक पीपल, ठीक है, और पुअर पीपल जो भी सोसाइटी में रहे, और जो हाई क्लास है वो इनसाइड वर्ल्ड को शो कर रही है, जैसा कि व्हाइट पीपल हो गए या वो सुबर्ब सोसाइटी में रहने वाले लोग हो गए। ठीक है, इस तरह से ये जो है रिप्रेजेंटेशन आप लोग देंगे इसकी। ठीक है, और ये फिर क्या है, काइंड ऑफ एब्सोल्यूटनेस है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल ठीक है इस तरह से, क्योंकि हम जो है ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग, हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, हम परफेक्ट हैं,
तो ये चीजें भी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने वॉइड्स को यूज किया है। तो यहाँ पर एक साथ ही एक सिंबल आपने मेंशन करना है वॉल्स का, ठीक है, लिखे वॉल WALL, ठीक है। वॉल वॉल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो भी सेपरेट सेपरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। वॉल का जो सिंबल है वो प्योरली जो है वो सेपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सेपरेशन फ्रॉम आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। यहाँ पर आप लोग फिर पॉइंट्स वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करें तो वहां पे है अनइंटेंशनल डेथ। नेक्स्ट सिंबल लिखें अनइंटेंशनल डेथ। आपको पता है कि जैसे जो है वो बच्चा जो है वो जस्ट अपनी डिजायर को, ठीक है, अपनी क्यूरियोसिटी को ओवरकम करने के लिए बाहर जाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो आउटर वर्ल्ड कितनी खूबसूरत है, क्योंकि जैसे वो स्टोरी सुनता है अपनी ग्रैंड मदर से, उसको लगता है कि जो बाहर की दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, उसमें बहुत डिफरेंट जो है वो चीजें हैं, बहुत डिफरेंट जो है सिचुएशन है, ठीक है। वो कहता है कि मैं इस चीज को, मैं भी ये जो है वो करके दिखाऊंगा, इस तरह से वो अपनी क्यूरियोसिटी को ओवरकम करने जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे पॉइंट कैसे, डिसाइड्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या थी यहाँ पर, अब क्यूरियोसिटी का जो है वो नेक्स्ट एलैबोरेशन जो है वो क्यूरियोसिटी की है। व्हाट वुड हैपन इफ ही डिड, ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो वो, ये जो आपको पता है बच्चों के माइंड में जो है वो क्वेश्चन रेज होते हैं, कभी भी कोई उनको बात बताओ तो उनको लगता है अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और इसके बाद क्या हुआ, वो नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है वो खुद ही जो है वो अपने आप को जो है उसमें इन्वॉल्व करते चले जाते हैं और इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैं क्लाइम करके जाऊंगा वॉल्स को प्रिंस की तरह, ठीक है, मैं एक न्यू वर्ल्ड में चला जाऊंगा तो वहां पर मैं भी प्रिंस की तरह एक जो है वो क्वीन को जो है वो लेकर आऊंगा अपने घर, तो इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह वो कहता है वो किस चीज को डिसीजन क्या लेता है, व्हाट वुड हैपन इफ ही डिड व्हाट प्रिंस डज, जो भी प्रिंस करता है तो अगर वो भी मैं करके देख लूंगा तो फिर क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी जो है उसको क्या करती है, आउटर वर्ल्ड में जाने को कंपेल करती है कि वो जाए, ठीक है, वो सिचुएशन से यूज टू हो, ठीक है, उसको पता चले कि बाहर की जो दुनिया है वो किस तरह से है और कैसे ट्रीट करती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें कि गोडिमा ने ये भी शो करने की कोशिश की कि हमारे, हम कितना भी जो है वो अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग्स होती हैं कि फिर भी हमें, हम फोर वॉल्स में नहीं रह सकते, बाउंड नहीं रह सकते, ठीक है, हमें एक्सपोजर के लिए बाहर जाना चाहिए और निकलना चाहिए। और जबकि हम, जब जितना हमारा एक्सपोजर होगा हमारी ऑब्जर्वेशन उतनी ही शार्प होगी और हम बेटर वे में सोसाइटी को जो है वो डील कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जब डिफरेंट सिचुएशन से डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलेंगे, उनकी मेंटेलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, उनकी फिलॉसफी डिफरेंट होगी, सबकी लाइफ की फिलॉसफीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो डिफरेंट फिलॉसफीज से जब हम डील करेंगे तो हमारा एक्सपोजर जो है वो बढ़ेगा और इस तरह हम बेटर वे में डील कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं था, व्हाइट पीपल जो है जब सुबर्ब सोसाइटी वाले हैं वो बाउंड थे, ठीक है, फोर वॉल्स में, इसलिए उनको एक्सपोजर नहीं था, उनके अंदर जस्ट जो है वो आप कह सकते हैं सेल्फिशनेस का जो एलिमेंट है वो इंक्रीज हो रहा था, उसके अलावा कोई भी नहीं, इनजस्टिस जो है वो बहुत ज्यादा था इस सोसाइटी में, ठीक है। फीलिंग्स इमोशंस जो है वो दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और जिनके लिए फीलिंग्स ना हो फिर वो लोग जो है वो ह्यूमैनिटी के जो है वो सर्कल में नहीं आते, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो पॉइंट लिखे हैंग्स हिज बॉडी इनटू ब्लेड्स। क्या रिजल्ट होता है जब वो डिसीजन लेता है बच्चा कि वो बाहर की दुनिया को जो है वो उसका एक्सपोजर ले या जाए, वो प्रिंस का जो एक्शन है वो फुलफिल करे, क्योंकि वो स्टोरी के थ्रू एक्ट करना चाह रहा था ना कि स्टोरी जो है वो मेरी वो बड़ी खूबसूरत है, मैं अब बाहर जाऊंगा मुझे भी एक क्वीन मिल जाएगी, ठीक है, उसकी ये क्यूरियोसिटी जो है वो उसको डेथ तक ले जाती है। तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे हैंग्स हिज बॉडी इनटू ब्लेड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर डिजाइन। अब वो उस चीज का नॉलेज तो उसको नहीं था कि इसको कैसे जो है वो कवर अप करना है, ये कैसे इसको जो है मुझे बाहर जाना है, या मुझे कौन सी जो है वो किसी से बात करनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए, या फिर मैंने जो अलार्म सिस्टम हमारे घर में लगाया हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम है, मुझे उससे गो थ्रू होना चाहिए पहले, ठीक है, मुझे जो है वो पहले प्रिकॉशंस लेनी चाहिए फिर, लेकिन वो उस चीज से बिल्कुल भी जो है उसके डिजाइन से अनअवेयर होता है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है वो उसमें मैंगल्ड अप हो जाता है, फंस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर उसको डेथ का जो एलिमेंट है वो उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं होता,
वो अपनी एक क्यूरियोसिटी के एलिमेंट को ओवरकम करने के लिए बाहर निकलता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, गॉट द आइडिया क्लास? यस मैम. ओके गर्ल्स, लिसन टू मी केयरफुली. आप लोगों की ये जो स्टोरी है सिंबल्स के साथ मैंने कंप्लीट की है. आज हमारे सिंबल्स जो है वो यहीं तक रहेंगे. अर्ली वाला क्वेश्चन भी इसमें जो है वो कंप्लीट हो चुका है और थीम्स वाला क्वेश्चन भी. ठीक है, अगर इसकी डिस्कशन भी है, ये हमारी लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारा डिस्कशन थी और ये हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, थीम्स में आपको मैंने जो थीम्स लिखवाए हैं उसके अंदर आप लोग जो अगर मैं आपको सेंड करूं तो आपने थीम्स भी इसमें ऐड कर लेने हैं और सिंबल्स भी ऐड कर लेने हैं. ठीक है, और इसके बाद हम लोग दो तीन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको इंशाल्लाह डील करेंगे. वो मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगी, आप लोग रीडिंग करके आए. ठीक है, और अगर मैं इसको समराइज कर दूं अपनी स्टोरी को आज, क्योंकि नेक्स्ट हम एक के बाद इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्टोरी को स्टार्ट लेंगे. लेकिन एक वन डे जो है वो हम रखेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए जिसमें मैं आपको आउटलाइन बनवाऊंगी. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की. तो हमारी वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी है वो गॉडिमन ने, डीन गॉडिमन ने लिखी है, जो कि साउथ अफ्रीकन राइटर थी. ठीक है, उन्होंने अपना एक्सपोजर अपनी जो है वो यहाँ पर हमसे शेयर की कि उनकी कौन सी ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है, अपनी सोसाइटी का पोर्ट्रेट पेश किया. ठीक है, अपनी सोसाइटी का सिस्टम हमारे सामने रखा. ठीक है, और वहां पर रहने वालों की एक मेंटेलिटी हमारे साथ शेयर की. ठीक है, कन्फ्लिक्ट शेयर किए. ठीक है, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जो भी एक्टिविटीज थी, उनकी जो फीलिंग्स थी और वो शेयर की, जबकि सोसाइटी में जो है वो जस्टिस नहीं था. ठीक है, ह्यूमैनिटी नहीं है. ठीक है, आप देख सकते हैं मिस ट्रीट जैसे किया जा रहा है, उनका बिहेवियर शो होता है इससे कि वो कितने जो है वो काइंड है या कितने जो है वो मिस ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं लोगों को. और वहां पर इम्पीरियलिज्म का जो एक कंसेप्ट चल रहा था, ठीक है, वो वाइट पीपल के थ्रू, और वाइट पीपल की और जो अफ्रीकन सोसाइटी थी वो कितने उनकी डिवीजन बना रखी थी ना, कलर्ड पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल थे, पर मिक्स थे. ठीक है, ये फिर उन्होंने फोर जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाई कि ये कैटेगरीज जो है वो अफ्रीकन सोसाइटी में थी. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटीज में जो है वो सबर्ब सोसाइटीज बनी हुई थी जो कि एलीट क्लास अफोर्ड करती थी. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो परफेक्ट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है वो ले रखे थे. वो सिक्योरिटी मेजरमेंट आपसे उसने डिस्कस किए थ्रू स्टोरी. ठीक है, फिर उन्हें एक मीटिंग में ये कहा जाता है कि वो अपनी बच्चों के लिए जो है वो फेरी टेल लिखें, जबकि वो नहीं थे, वो कहती हैं नहीं. लेकिन फिर इन इंटेंशनली वो क्या करती हैं, एक रात उन्हें जो फियर होता है उनसे एक काम करवा लेता है जो वो नहीं करना चाहती थी. मीन्स वो बच्चों के लिए कोई भी फेरी टेल की बुक लिखना नहीं चाहती थी, जबकि वो अपनी सोसाइटी की सिचुएशन को आप कह सकते हैं रिवाइज करती हैं अपने साथ. ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक स्टोरी बन जाती है जिसको वो नेम देती हैं वंस अपॉन अ टाइम. ठीक है, और ये वंस अपॉन अ टाइम का टाइटल जो है वो फेरी टेल, बच्चों की जो फेरी टेल होती है उससे रिलेट करता है. इसलिए कहते हैं कि फेरी टेल का ये एलिमेंट जो है, इसके अंदर करेक्टर्स, इसके अंदर प्रिंस वाली स्टोरी डायग्रेशन जो है, और इसमें जो इसका टाइटल है, ये सब चीजें जो है वो फेरी टेल के एलिमेंट्स हैं. अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ सकते हैं तो आप लोग ये लिखेंगे इसका टाइटल जो है, इसका स्टार्ट जो है. ठीक है, इसमें फेरी टेल की बुक जो है वो उसको गिफ्ट करती है, फिर इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो, तो इस तरह. और वहां पर प्रिंस की स्टोरी, स्लीपिंग ब्यूटी को वापस लाना, ये एलिमेंट्स वो हमसे शेयर करती है. थ्रू स्टोरी उन्होंने अफ्रीकन सोसाइटी का पोर्ट्रेट जो है वो हमें बताया है. ठीक है, और फिर हमने इसके थीम्स समरी को डिस्कस किया, क्रिटिकल एप्रिसिएशन डिस्कस हुई, देन थीम्स डिस्कस हुए और सिंबल्स, और फिर इसकी आर्मी वाला क्वेश्चन. गॉट द आइडिया क्लास? यस मैम. अब आप लोगों की असाइनमेंट टास्क यही है कि जिन लोगों ने सबमिट नहीं करवाई वो लोग सबमिट करवाएंगे. अगेन जो है वो मैं आपको कहूँ, आप लोगों ने अपने नोट्स को, अब इनके जितने भी पेजेस हैं वंस अपॉन अ टाइम के, आप लोगों ने उस रीडिंग देनी है उसको. ठीक है, कुछ नोट्स आपको सेंड किए जाएंगे, आप लोगों ने उसको रीड आउट करना है. देन आप लोगों ने अपना जो है वो आउटलाइन अपने माइंड में बना लेनी है, क्योंकि आपको मैंने बहुत दफा कहा है कि क्वेश्चंस आपको जो करवाए जाएंगे वो वैसे नहीं आते, हो भी जाता है और नहीं भी कभी भी होता. ठीक है, वो मोल्ड कर देते हैं. जब आप एक चीज को नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ लेते हैं ना, आप देखिए एक स्टोरी को आपने 2 वीक्स जो है वो डिस्कस किया है, डीपली डिस्कस कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आप टैकल ना कर सके. ठीक है, अब आप लोग रीडिंग देंगे. अगर आप लोग भी इसमें
जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे तब। और मैं ही जो है वो बोलती रहूंगी, एफर्ट करती रहूंगी, और आप लोग जो है वो पैसिव रहेंगे और मैं एक्टिव रहूंगी, तभी आप लोग जो है वो अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी राइटिंग को जो है वो क्लियर कर लें, और फिर कहूँ हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है, और अपनी राइटिंग में आपने लिखनी है असाइनमेंट, सेल्फ राइटिंग जो है वो करनी है, देन मुझे सबमिट करवानी है। फाइन? ओके मैम। यस मैम। ओके, क्लास वो एंड होती है, आज हमारी लास्ट क्लास थी, इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। एडवांस में आपको ईद मुबारक कहती हूँ, ठीक है, अपनी अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज मैम, आप मुबारक, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम गर्ल्स।